तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, फाइनली आज हमारे पास आ चुकी है कॉन्टिनेंटल GT 650 का 2023 मॉडल, जो कि मेरे पास इसका क्रोम एडिशन, जिसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि पूरी बाइक आपको क्रोम में देखने को मिलती है, जिसे हम लोग मार्क 2 के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको इसी बाइक के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कॉन्टिनेंटल GT 650 के 2023 मॉडल में आपको क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं, क्या इसकी लेटेस्ट प्राइस देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी कॉन्टिनेंटल GT 650 के लवर हैं, या फिर आप लोग इस बाइक को लेने वाले हैं, या फिर लेने का प्लान करें, तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो के लास्ट तक इस बाइक के बारे में आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं विंग टेक्नो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे, तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और चैनल पे आप नए, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बगल में पड़े बेल आइकन दबाइएगा, जिससे कि आप आगे वीडियो को मिस न कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस बाइक के लुक के बारे में, तो आपको बता दें कि ये इसका सबसे महंगा मॉडल है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जो कॉन्टिनेंटल GT 650 का क्रोम एडिशन आता है, बाकी मॉडल से सबसे महंगे मॉडल है। और यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे, तो इसमें आपको पूरी बाइक आप देख सकते हैं, इसमें आपको क्रोम के साथ आती है। तो अगर आप लोग क्रोम लवर हैं, तो आई एम श्योर ये कलर आपको काफी पसंद आने वाला है, ये एडिशन आपको काफी अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड की बैचिंग मिल जाती है, यहाँ पे आपको क्रोम में इसकी बॉडी मिलती है, बीच में आपको ब्लैक एंड गोल्डन कलर में आपको हैंडमेड ग्राफिक्स मिलती है, जो कि काफी प्रीमियम लगता है देखने में। तो दोस्तों, आप लोग बताना कि ये जो क्रोम एडिशन है GT 650 का, ये आपको कैसी लग रही है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं इस बाइक के थोड़े से प्राइस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस बाइक के एक्सोन प्राइस के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, तो इसका जो एक्सोन प्राइस निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है 331,570 रुपए एक्सोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये इसका क्रोम एडिशन है, जो कि सबसे महंगा मॉडल है कॉन्टिनेंटल GT 650 का, जिसे हम लोग रॉयल एनफील्ड की सबसे महंगी बाइकों में भी देख सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो इसका जो लेटेस्ट प्राइस निकल के आ रहा है 2023 में, वो निकल के आ रहा है 386,000 से 390,000 के बीच में, ये बाइक आपको कम्प्लीट देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको प्राइस बताया है, ये मैंने आपको लगभग प्राइस बताया। वीडियो की स्टार्टिंग में आपको एजेंसी का डिटेल मिल जाएगा, वहां चाहेंगे तो डायरेक्ट एजेंसी भी कॉल करके इस बाइक के एग्जैक्ट ऑन प्राइस जान सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो इस बाइक के प्राइस की बात। अब थोड़ी सी बात करते हैं इस बाइक के फीचर स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से, तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, तो इसका जो फ्रंट से प्रोफाइल है ना, वही सेम आपको पहले वाला देखने को मिलता है। यहाँ पे आप लोग गौर करें, तो इसका जो साइड इंडिकेटर मिलता है, वही आपको 10 वाट का बल्ब इंडिकेटर देखने को मिल रही है। और अगर आप लोग गौर करें, तो इसका जो हेडलाइट मिलता है ना, वही सेम आपको 60/55 वाट का H4 हैलोजन बल्ब देखने को मिलता है। इसमें आपको अभी भी LED हेडलाइट देखने को नहीं मिलती है। और यहाँ पे देखिए, नीचे साइड में आपको LED पार्किंग लाइट देखने को मिल जाती है, लेकिन इसका जो हेडलाइट है ना, वो आपको हैलोजन बल्ब मिलता है। तो आपको बता दें कि इसमें जो हैलोजन क्वालिटी मिलती है ना, काफी बेहतरीन देखने को मिलती है। और इसका जो फ्रंट प्रोफाइल निकल के आता है ना, थोड़ा सा मतलब एक रेट्रो लुक वाली निकल के आती है। तो आप लोग को इसका फ्रंट प्रोफाइल कैसा लग रहा है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर हम बात करते हैं इसके थोड़े से फ्रंट सेक्शन से, और यहाँ पे देखिए, इसमें आप देख सकते हैं फ्रंट सस्पेंशन जो मिलेगा, वॉक मिलता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, जिसमें आपको 41mm का डाई फ्रंट फॉर्क मिलता है, और 110mm का ट्रबल देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको राइडिंग के टाइम पे काफी अच्छा कंफर्ट देखने को दे देती है। और यहाँ पे देखिए, इसका जो फ्रंट टायर मिलेगा, वो आपको मिलेगा 100/90 का 18 इंच का ट्यूब टायर देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको बता दें कि इसमें आपको स्पॉक व्हील मिलता है, तो इसमें आपको ट्यूबलेस टायर का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट ब्रेक के बारे में, तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, तो इसका जो फ्रंट ब्रेक मिलेगा, वॉक मिलता है, डिस्कब्रेक का सपोर्ट मिलती है, जिसकी साइज 320mm का डिस्कब्रेक के बीच में आप देखिए, इसमें आपको ABS का चैन लगाया गया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें आपको डुअल चैनल ABS का सपोर्ट मिलता है, तो इसमें आपको जो ब्रेकिंग क्वालिटी मिलेगी ना, आपको काफी बेहतरीन देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये तो इस बाइक के फ्रंट सेक्शन की बात। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल के बारे में, तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, तो इसका जो साइड से प्रोफाइल निकल के आता है ना, काफी अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे, तो इसमें आपको गोल्डन कलर में आपको रॉयल एनफील्ड की बैचिंग मिलती है, जो की काफी प्रीमियम लगता है देखने में। तो आप लोग बताना कि ये जो क्रोम एडिशन है ना, इसमें आपको जो रॉयल एनफील्ड की बैचिंग देखने को मिली, आप लोगों को कैसी लगती है देखने में। और अगर हम बात करते हैं इस बाइक के थोड़े से हैंडल बार के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके लेफ्ट हैंडल बार से, तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे, तो लेफ्ट हैंडल बार पे आप देख सकते हैं, वही सारे सिंपल स्विच मिल जाते हैं, जिसमें आपको लो इंडिकेटर स्विच मिल जाएगा, पासिंग स्विच मिल जाएगा, साइड इंडिकेटर स्विच मिल जाएगा, हॉर्न स्विच मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए, साइड मिरर जो मिलता है, वही सेम आपको क्लासिक डिजाइन में देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करते हैं इसके राइट हैंडल बार के बारे में, तो यहाँ पे आपको इंजन कल स्विच मिल जाता है, नीचे आपको सेल्फ स्टार्ट का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको प्री इंस्टॉल हैजार्ड स्विच देखने को नहीं मिलेगी। और अगर हम बात करते हैं इसके मीटर कंसोल के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि इसमें आपको जो मीटर कंसोल मिलता है ना, आपको सेमी डिस्टेंस मीटर कंसोल मिलता है, जो कि आपको पहले वाला मीटर कंसोल देखने को मिल रहा है। इसमें आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगी, जिसमें आप लोग देख सकते हैं जो स्पीडोमीटर मिलेगा आपको एनालॉग मिलता है, जो टेकोमीटर मिलता है वो भी आपको एनालॉग देखने मिल जाती है, लेकिन जो बीच में आपको छोटा सा डिस्प्ले लगाया गया है, इसमें आपको ओडोमीटर मिल जाती है, और साथ ही साथ इसमें आपको ट्रिप मीटर देखने को मिल जाएगी, इसमें आपको फ्यूल इंडिकेशन देखने मिल जाती है, और साइड में देखेंगे तो ABS इंडिकेटर मिल जाता है, इंजन मॉलफंक्शन लाइट देखने मिल जाती है। तो इसका जो मीटर कंसोल है ना, वही सेम आपको पहले वाली देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं इसके हैंडलिंग पोस्चर के बारे में, तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, तो इसमें आपको क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता है, जो कि इसके राइडिंग पोस्चर को काफी अग्रेसिव, काफी बेहतरीन बनाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस बाइक को राइड करते हैं ना, तो आपको काफी स्पोर्टी फील होने वाला है। और अगर हम बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक के बारे में,
बारे में। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस पूरी बाइक में आपको पूरा बाइक आपको क्रोम में मिलता है, बीच में आपको ब्लैक एंड गोल्डन कलर में आपको हैंडमेड ग्राफिक्स मिलती है जो कि काफी प्रीमियम लग रही देखने में। और अगर हम बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में तो इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है वॉक मिलती है 12.5 लीटर की जो कि काफी अच्छी फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करते हैं इसके इंजन के बारे में तो इसका जो इंजन मिलेगा वॉक मिलता है 648 सीसी का एयर एंड ऑयल कुल BS6 इंजन देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं इसके मैक्स पावर के बारे में तो इसका जो मैक्स पावर मिलेगा वॉक मिलता है 47 bhp का 7250 rpm पे। इसका जो मैक्स टॉर्क मिलेगा वॉक मिलता है 52 न्यूटन मीटर का 5250 rpm पे। इसमें आपको 78 mm का बोर मिल जाता है, 67.8 mm का स्टॉक देखने को मिल जाता है। इसमें आपको एयर एंड ऑयल कूलिंग सिस्टम देखने को मिल जाते हैं और साथ ही साथ फ्यूल सप्लाई सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें आपको FI सिस्टम देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों जो इंजन है ना इसमें आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पे साइड बॉडी का देख सकते हैं कॉन्टिनेंटल GT650 का आप देख सकते हैं ट्विंग वाला आपको कहते हैं बैचिंग मिल जाती है जो कि काफी अच्छा लगता है देखने में। और अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके सीटिंग कंफर्ट के बारे में तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे तो इसका जो सीट मिलता है ना आपको काफी बेहतरीन देखने मिलते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जैसे क्लासिक 350 का आपको जो सीट कंफर्ट मिलता है ना उसके मुकाबले में इसमें आपको कंफर्ट थोड़ा सा कम मिलेगा क्योंकि इसका जो राइडर सीट है ना वो थोड़ा सा पतला मिलता है। लेकिन जो पिलियन राइडर सीट है वो आपको थोड़ा सा चौड़ा मिलता है तो आपको पिलियन राइडर को ज्यादा कंफर्टेबल राइडिंग मिलने वाली है। लेकिन जो राइडर सीट है वो थोड़ा सा पतला होने की वजह से इसमें आपको थोड़ा सा आपको कम कंफर्टेबल फील होने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा नहीं कि इसमें आपको कंफर्टेबल राइड देखने को नहीं मिलती है, हाँ लेकिन क्लासिक की तुलना में इसमें आपको थोड़ा सा कम कंफर्टेबल राइड देखने को मिलती है। और यहाँ पे देखिए इसमें आपको पिलियन ग्रेविल मिल जाती है जो कि आपको पाइप वाला सिंपल ग्रेविल मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं इसके एग्जॉस्ट के बारे में तो यहाँ पे देखिए इसमें आपको डुअल बैरल एग्जॉस्ट मिलता है, लेफ्ट एंड राइट दोनों में आपको एग्जॉस्ट मिल जाता है जो कि काफी स्पोर्टी और काफी अच्छे साउंड के साथ आती है। और यहाँ पे देखिए इसका जो चैन मिलेगा आपको लो मेंटेनेंस बोरिंग वाली चैन मिलती है जिसे अगर आप लोग टाइम टू टाइम चैन लूप चैन क्लीन करते रहेंगे तो आपके चैन में कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और अगर हम बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल के बारे में, इसके रियर से लुक के बारे में तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे तो इसका जो रियर से लुक देख सकते हैं ना वो भी आपको पहले वाले मिलता है, इसमें आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगी। वही सेम आप देख सकते हैं बल्ब टेलाइट मिल जाता है, साइड इंडिकेटर मिल जाता है, इसमें आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों 2023 मॉडल में रियर सेक्शन में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगी। और अगर हम बात करते हैं इसके दूसरे साइड से तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे तो इस साइड प्रोफाइल से जो लुक निकल के आता है ना वो भी आपको सेम देखने को मिलती है, इसमें आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं इसके रियर सस्पेंशन के बारे में तो यहाँ पे देखिए इसका जो रियर सस्पेंशन मिलेगा वॉक मिलता है ट्विंग क्वाइल ओवर शॉक सस्पेंशन मिल जाता है जिसमें आपको 88 mm का ट्रेवल देखने को मिल रही है जो कि आपको राइडिंग कंफर्ट काफी अच्छी देखने को दे देती है। और अगर हम बात करते हैं इसके रियर ब्रेक के बारे में तो यहाँ पे देखिए इसका जो रियर ब्रेक मिलेगा वॉक मिलता है फ्लोटिंग कैलिपर का डिस्प्ले का सपोर्ट मिलती है जिसकी साइज है 240 mm का डिस्प्ले के बीच में आप देखिए ABS का चैन लगाया गया है क्योंकि ये डुअल चैनल ABS के साथ आती है। और अगर हम बात करते हैं इसके रियर टायर के बारे में तो इसका जो रियर टायर मिलेगा वॉक मिलता है 130/70 का 18 इंच का ट्यूब टायर देखने को मिल जाती है स्पॉक व्हील के साथ। तो दोस्तों इसके रियर सेक्शन में भी आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको एक बात क्लियर कर दें कि फीचर्स वाइज स्पेसिफिकेशन वाइज इस बाइक में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगी। और अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके डायमेंशन के बारे में तो आपको बता दें कि इसका जो कॉर्बेट निकल के आता है वो निकल के आता है 198 kg की ये बाइक देखने को मिल जाती है, लगभग 2 क्विंटल की ये बाइक देखने को मिल जाती है। और इसका जो लेंथ मिलेगा वॉक मिलता है 2122 mm का, इसका जो हाइट मिलेगी वॉक मिलती है 1024 mm का, इसका जो व्हील बेस मिलेगा वॉक मिलता है 1398 mm का, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी वॉक मिलती है 174 mm का, इसका जो सीट हाइट मिलेगी वॉक मिलती है 793 mm का। तो दोस्तों इसमें जो डायमेंशन मिलते हैं वो भी आपको सेम मिलते हैं, लेकिन अगर आप लोग की हाइट कम है तो भी आप लोग इस बाइक से आराम से राइड कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो सीट हाइट है ना वो भी आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया इस बाइक के बारे में, मैंने डिटेल में बता दिया है कि इसमें आपको क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, इसके जो डायमेंशन है ना वो भी मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिया है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके माइलेज के बारे में तो इसका जो माइलेज मिलेगा वो आपको मिलेगा कि कहते हैं 25 का माइलेज ये बाइक आपको आराम से देखने को दे देती है क्योंकि ये 650 cc के इंजन के साथ आती है तो इसमें आपको ज्यादा माइलेज तो नहीं मिलेगा लेकिन हाँ 25 से 28 का माइलेज ये बाइक आपको आराम से देखने को दे देती है। अगर आप लोग में से GT650 किसी के पास भी हो और आप लोग को इसका एग्जैक्ट माइलेज पता हो कि आप लोग को बाइक आपको कितना माइलेज देती है तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थे इस बाइक के फीचर्स स्पेसिफिकेशन जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों कैसी लगी बाइक, कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग को एक क्रोम एडिशन अच्छी लगे तो अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोग कोई डाउट या फिर हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप लोग को इंस्टाग्राम की ID शो हो रही होगी नीचे, वहां से डायरेक्ट फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हेल्थ के हेलमेट यूज करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।